मुझे बहुत डर लग रहा था कि हम लोग छोड़ के जा सकते हैं स्प्लिट्सविला। Everything depends on Nitin and Ruby. If they win, we're in. अगर वो हार गया, that's it, it's all gone. Welcome to Fiamma Devils Hot Beat Competition. अच्छा मुझको ये बताएं कि जब आप कोई हॉट धमाकेदार परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको कैसा लगता है? दिल के धड़कने बढ़ जाती हैं। बिंगो! आज इस मंच पर दो हॉट परफॉर्मेंसेस होंगी। एक परफॉर्मेंस स्प्लिट्सविला 6 के पहले किंग और पहली क्वीन की तरफ से और दूसरी परफॉर्मेंस चुने गए दो कंटेंडर्स की तरफ से। इन दो हॉट परफॉर्मेंसेस में जिस जोड़ी की परफॉर्मेंस ज्यादा हॉट होगी वो इस कॉम्पिटिशन के विजेता होंगे और जिन स्प्लिट्स विलन्स को उन्होंने चुना डंप करने के लिए उन्हें स्प्लिट्सविला को छोड़ना होगा। जब किंग और क्वीन परफॉर्म करेंगे नवाब और पूर्वी आप दोनों उन कुर्सियों पर बैठोगे एंड यू विल बी स्ट्रैप्ड टू हार्ट रेट मॉनिटर्स सो योर हार्ट बीट विल बी नोन टू ऑल ऑफ अस। अगर आपका हार्ट बीट हाई जाता है मतलब जो आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा। सो इफ यू कैन ट्राई एंड कंट्रोल योर बीटिंग हार्ट। माइंड को तो कंट्रोल कर सकते हो, बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हार्ट को वेरी टफ। इंसान झूठ बोल सकता है, इंसान का दिल नहीं। एक्चुअली फील अनी स्टार्ट हुई कि हाँ टास्क स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज द एक्चुअल टेस्ट। मुझे इस चीज में बहुत अच्छा लगा, नोबडी इज गोइंग टू फाइट फॉर दोस पीपल, वो खुद लड़ेंगे अपने लिए। द शो इज अबाउट टू बिगिन। मुझे रूबी काफी अच्छी लग रही, काफी हॉट लग रही थी और मुझे लगा था कि कुछ अच्छा करने वाली है। पिनाज और परिचय में पता नहीं कहाँ से इतना दिमाग आया कि हम अपनी हार्ट बीट बढ़ाने से कैसे रोके। They decided not to look at us. मैंने नहीं देखा उसकी तरफ तो उसने फिर फैदर वगैरह मेरे मुंह पे ब्रश करना स्टार्ट करा। मैंने कहा बेटा तू जो मर्जी कर ले मैं तेरा देखूंगा ही नहीं। Now look up. Ruby का परफॉर्मेंस ठीक था, परिचय ने खराब कर दिया उसकी परफॉर्मेंस। मैंने ध्यान दिया रूबी की परफॉर्मेंस और उसके लड़के की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ओके, मैंने उतारी टाई, मैंने उतारी शर्ट, मैं भूल गया कि मैं कहाँ पे हूँ। वो सीन शायद मेरी लाइफ में सब पहली बार मैं एक तो लाइव देख रही थी, इट वाज किलर। जैसे ही हमारा टास्क खत्म हुआ द फर्स्ट थिंग आई सेड टू नितिन कि पूर्वी और नवाब में इतना दिमाग होगा ही नहीं कि वो अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर ले। परिचय पीनस जॉइन योर फ्रेंड्स। ओके थैंक यू। इट इज नाउ टाइम फॉर द परफॉर्मेंस बाय द फर्स्ट किंग द फर्स्ट क्वीन ऑफ स्प्लिट्सविला 6। गौरव का मुझे नहीं पता था कि वो करेगा क्या करेगा, लेकिन सुबुई का मुझे लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगी। मैं अंदर आई विद मास्क, सामने सबको देखा स्माइल और मैंने कहा नवाब जाए भाड़ में, मुझे नाचना है अपने लिए। सुबुई जो चालू हुई I was thrilled, I was shocked. आंखें निकल के आ गई, आंखें उछल 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 के निकल जाती आज। मैं सुबुई के सर पे अश्विनी का सर रख के पिक्चर कर रहा था कि he was trying me. Worked so much good कि मुझे इतना हंसी आ रही थी। गौरव ने भी स्टार्ट किया भाई, दूसरी तरफ तो बंदी ऐसी बैठी थी जो उसको सपोर्ट करने वाली थी पूर्वी। पूर्वी एंजॉय कर रही थी जहां तक मुझे लग रहा था और मुझे लग रहा था कि भाई हाँ इजी है, मैं ये जीत जाऊंगा।
पूर्वी ने तो बहुत अच्छे से मजे लिए वहाँ पे, बहुत अच्छे से एंजॉय करी थी उसकी परफॉर्मेंस को। पूर्वी पता नहीं क्या कर रही थी, वो चाहती थी कि नहीं चाहती थी कि वो कॉम्पिटिशन में रहे, उसको उल्टा बता रही थी ऐसे नहीं ऐसा कर। हमें लगा जीत गए भाई, उसकी हार्ट बीट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। स्प्लिट विलन्स, वक्त आ गया ये देखने के लिए कि आपके किंग और क्वीन कौन होंगे। फिनास, नितिन ने आपके दिल को 516 बार धड़काया। परिचय, रूबी की परफॉर्मेंस ने आपके दिल को सिर्फ 385 बार धड़काया। बहुत शर्म की बात है कि मैं एक लड़के का दिल नहीं धड़का सकती यार। आप दोनों ने मिलकर विनाज और परिचय के दिलों को 901 बार धड़काया। नवाब, आपके हार्ट बीट जो सुबुई की परफॉर्मेंस की वजह से थी कम्स अप टू अ टोटल ऑफ 429. I was shocked. I was like, what the hell, yaar? मैंने तो अश्विनी को सुबुई के मुंह पे डाल के I was picturing her. इसका मतलब ये नहीं कि I was by Ashwini? No way. Because I'm an athlete, my heartbeat is normally very fast without any excitement at all. Wow. See how lame. Yeah, I wouldn't blame that. मैं आप सबको ये भी बता सकता हूँ कि जीतने और हारने का फर्क सिर्फ 9 heartbeat. Purvi, thanks to Gaurav's hard work, 463 heartbeats and a total of 892. The winners are Nitin and Ruby. Gaurav, Subuhi, you're no longer Splitsvilla's king and queen. मेरी और सुबुई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, बट नितिन की परफॉर्मेंस ऐसी पता नहीं क्या थी, किंग क्वीन से हटा के नॉर्मल विला में फेंक के चले गए। प्लीज कम बैक टू योर फ्रेंड्स। अब नवाब वापस आ गए विला में, मैंने भी सोचा था यार तू जब तक यहाँ है ना भाई, मैं ना तेरा बाप हूँ यहाँ पे। नवाब और पूर्वी, प्लीज कम बैक टू द विला। Back in the game, back in the platform. अब देखते हैं कौन आता है सामने। It just got real. You are. Yeah, you smell like one. Shut up. शकल अच्छी नहीं होती तो बात तो अच्छी करनी चाहिए। गवार। सच्ची यार तुझे ये टिप कितने? You have to keep that. चल काम कर अपना। चल। अब यार स्टैंडर्ड्स में मत आना प्लीज यार। नितिन और रूबी, आप दोनों ने दो लोगों को चुना है स्प्लिट्सविला से डंप करने के लिए, और वो है परिचय और पिनाज। आप बाकी के स्प्लिट्सविलन से कुछ कहना चाहोगी? This is going to be your last chance. I'll miss everyone. I was somewhere blaming myself. हम लोगों की परफॉर्मेंस में कमी हुई इसलिए वो डंप हुई। Splits villains. अब विला में एक नया किंग और एक नई क्वीन है। They and only they have the power to dump you. Make your connections, form your bonds. This is MTV Splits Villa, season 6. Hot as hell. Good night. Good night. Good night. Man, king. और क्वीन रूबी, गेम सारा हाथ में है, सारे कंटेस्टेंट हाथ में हैं। डंपिंग के बाद पहली मॉर्निंग थी, सारे लोगों का अटेंशन हम पे आ गया था। हम लोग सब पूल के पास चिल कर रहे थे,
वी वर हैविंग फन, बात कर रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे, और सडनली शर्लिन आती है. वेलकम टू फियामा डिविल्स एमटीवी स्प्लिट्सविला 6 पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट हॉट एज हेल. कैसे हैं आप सब? वेरी गुड. वेरी गुड. आज आपका पहला हॉटनेस कोशेंट सेशन होगा. हॉटनेस कोशेंट क्या है? मुझे जानना है कि आप इसके बारे में क्या समझते हो या सोचते हो. गुड लुक्स, गुड लुक्स, गुड लुक्स. लुक्स डू मैटर. ऑब्वियसली. या इट डज मैटर. ऑफ कोर्स दे डू. आज का जो सेशन होने वाला है इसमें सिर्फ लड़कियां भाग लेंगी. नाइस. ऑब्वियसली थोड़ा सा गुस्सा है कि आई मीन लाइक आती हमारी यार, मतलब पहले एटलीस्ट लड़कों को कुछ होना चाहिए. आराम से बैठ रहे हैं. आज के हॉटनेस क्वेश्चन सेशन का नाम है फेदर टच. गर्ल्स, आपको मुझको ये बताना होगा अपने वोट्स के जरिए कि स्प्लिट्स विला में ऐसी कौन सी लड़की है जिनकी लेग्स आपके अनुसार सबसे कम हॉट है. आपको बहुत सोच समझकर अपने वोट्स देने होंगे, क्योंकि जिस लड़की की लेग्स सबसे कम हॉट होंगी वो जाएंगी डंपिंग जोन में. Are you ready, girls? उस टाइम पे लड़कियां ये थी किसका नाम लिखूं, क्योंकि सबकी अभी बॉन्डिंग ऐसी है, ज्यादा भी नहीं हुई है, ठीक भी है, नहीं भी है, कुछ नहीं पता था किसी का, तो सब एक दूसरे को देख रहे थे. सुबोही, आप बताएं आपने किसको वोट दिया? सताक्षी. मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे अपने आप को देखना चाहिए था, उसके लेग्स को. इट्स जस्ट कि किसी का नाम लिखना था. अपने स्टैंडर्ड्स पे आ गए ना. आई विश आई कुड वोट हिम. यू कुड विश यू कुड हैव देम बिकॉज़ सो जस्ट शट अप. प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट. शट अप. आई एम नॉट लिसनिंग टू यू. लूजर. शी वाज ट्राइंग टू यू नो इंसल्ट मी, बट जैसे मैं बोल रहा था ना, तो उसकी जो इट वाज इनसेनली Ultimate. Priyanka Chandel. It's Purvi. Priyanka Chandel. My vote is for Subohi. मेरा रीजन ये है कि वो थोड़ी सी हेल्दी है. परी, आप बताएं. It's सताक्षी. She is pretty, but I don't like her legs. Sataakshi, आपने किसे अपना वोट दिया? पूर्वी. पूर्वी, सताक्षी, आप दोनों को दो दो वोट्स मिले हैं सबसे कम हॉट लेग्स के लिए. क्योंकि आप दोनों को बराबर के वोट्स मिले हैं, आपको लड़के जज करेंगे. और ये एक बहुत ही प्यारी चीज मैं लेकर आई हूँ, लिपस्टिक. वोट कैसे करना था वो बड़ा ही इनोवेटिव तरीका था. उनको शर्लिन ने रेड लिपस्टिक लगाई और उसके बाद उन्हें उस लड़की की लेग्स पे एक लिपस्टिक लगाना था जिनको वो बचाना चाहते थे. जो दिखाना. नवाब को छोड़ के सब लड़कों ने सताक्षी के फेवर में वोट दिया. प्रभजोत भी तो एक्सपेक्टेड था वो मुझे देगा, नहीं देता तो मैं उसे मार देती. लुक एट हिम. ओह, शर्म से पानी पानी हो रहे हो. श्योर. इज शी योर वेरी गुड फ्रेंड? आई गेस शी इज अ गुड फ्रेंड. आई लाइक टॉकिंग टू हर. शी इज जेन्युइन एंड शी इज अमेजिंग. आई वाज हैप्पी कि सताक्षी जीत गई और डंपिंग जोन में पूर्वी आ गई. पूर्वी, बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आपको यहाँ से सीधे डंपिंग जोन में जाना होगा. माय बेस्ट विशेस. थैंक यू. चीयर्स. मैं सताक्षी से डेफिनेटली बेटर हूँ, मच बेटर हूँ. लेकिन लड़के मुझे नहीं पसंद करते थे, मुझे चिढ़ते थे नवाब की वजह से. डंपिंग जोन पे आना किसको पसंद आता है, मुझे बुरा लग रहा था. हम पूल के पास सब ऐसी बातें कर रहे थे ना, तब भी
Can somebody get the bottle? Please, sir. Please. एक water bottle ले दो, please. Water bottle. पानी देना, पानी, पानी. मेरे हाथ मूव नहीं हो रहे थे, मेरी लेग्स मूव नहीं हो रही थी. मुझे ये डर था कि अब मैं टास्क में कैसे परफॉर्म करूंगी. हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है. बस वहां पे एक बहुत बड़ा केज था, केज के अंदर एक झूला लगा था. Good morning, Splits villains. Morning. Good morning. परी, क्या हुआ आपके हाथ को? कल उड़ रही थी मैं, नीचे गिर गई. उड़ रही थी आप? Yeah. कल कुछ ज़्यादा तूफ़ानी करने का मन कर रहा था. परी, आप Splits villain हो, Supergirl नहीं. Are you ready for today's competition? Yeah. Yes, totally. इस competition का नाम है Royal Birdcage. और ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है. ये competition एक multi-level competition है. इस कंपटीशन के दौरान आपको अंदर एक बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस देना है और साथ में रोजेस भी कलेक्ट करने हैं. कंपटीशन में 10 रोजेस हैं, 5 केज पे लगाए गए हैं और 5 किंग नितिन के पास होंगे. जितना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा उतने ही रोजेस नितिन आपको देगा, मगर बाकी के जो 5 रोजेस केज के अंदर हैं वो आपको खुद अपने आप निकालने भी हैं. फॉर एवरी रोज दैट यू ड्रॉप सिर्फ आधा रोज काउंट किया जाएगा. आपको मूव भी करना है, आपको 5 लगे फ्लावर्स को भी तोड़ना है, एंड यू हैव टू इंप्रेस किंग. ओह मैन, ये है Splits villa सीजन 6, हॉट एज हेल. बिकॉज आई एम अ नाइस गाय, आई थॉट आईड कूल द कंपटीशन डाउन जस्ट अ लिटिल बिट. विद दिस, जब एक लड़की रॉयल बर्ड केज के अंदर होंगी, ऐसे 4 होजेस बाकी लड़कियों के हाथों में होगा. उन्होंने हमें बताया कि वाटर पाइप चलेंगे आफ्टर फ्यू सेकंड्स, और जो नीचे कंटेस्टेंट्स खड़े हैं वो ऊपर जो कंटेस्टेंट केज में है उसको पानी से मारेगा ताकि वो रोजेस ना कलेक्ट कर सके और वो झूले से गिर जाए. अगर आप झूले से फिसल के गिर जाते हैं तो आपका कॉम्पिटिशन वहीं पर खत्म हो जाएगा. जिन 3 लड़कियों को सबसे ज्यादा रोजे मिलते हैं वो सेफ होंगे, और जिन 2 लड़कियों को सबसे कम वो 2 Splits villains जाएंगे डंपिंग जोन में पूर्वी के साथ. Girls, are you ready? Yeah. King Nitin, आप तैयार हो? Oh, yes. Please take a seat. Thank you. मुझे नहीं पता था मैं रोजेस कैसे लूंगी, क्योंकि वो 5 रोजेस बहुत दूर पे थे. झूले पे चढ़ी, खड़ी हुई, मैंने उसे पकड़ा, वो इतना हिल रहा था. I was थोड़ा सा scared कि यार मैं कहीं गिर ना जाऊं, पैर ना फिसल जाए. Your time starts now. Come on, Subhi. चल 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 बस. एक moment ऐसा आया जब मैं slip होने वाली थी, मैं नीचे गिर जाती. पानी का प्रेशर इतना तेजी से पड़ रहा था मुंह पर कि मेरी सांस रुक गई थी और मैं पीछे मुंह करके खड़ी हो गई थी कि अब मुझसे नहीं हो रहा है. हो गया, हो गया, शाबाश. लड़कों का इतना सपोर्ट था, लड़कों ने बहुत चीयर अप करा. आई डिड गुड जॉब एंड आई वाज सैटिस्फाइड. बात आई परफॉर्म करने की, परफॉर्म मैं कर सकती हूँ, बट मुझे डर था कि मेरी अगर चोट पे पानी लग गया, मेरे को पेन तो बहुत दूर की बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं परफॉर्म भी कर पाती. उस केज में 5 फ्लास थे और वो उतारना था, वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए क्योंकि मेरा राइट हैंड काम नहीं कर रहा था. कमॉन कमॉन कमॉन, हाइट का फायदा उठा, निकाल. Well done, buddy. जैसे ही मेरे को लगा कि मैं ब्रीथ नहीं ले पा रही, सो वो रोजेस मैंने नीचे गिर दिए. फेस पे क्यों कर रहे हो यार? One more, come on, go.
पानी का फ्लो सीधा मेरे मुंह पे आ रहा था, ना मैं कुछ देख पा रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया उस टाइम। मन तो कर रहा था कि मैं वहीं पे परफॉर्मेंस रोक दूं और जिसने भी गेरा ना पाने उसकी। जब मैं परफॉर्म करके आई, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि जिस तरह से पानी गिरा गया मुझ पे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। जब मैंने इन दोनों की परफॉर्मेंस देख ली थी तो मुझे तो लग गया था इससे तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा करना है और मैं कर भी सकती थी। तो मेरी स्ट्रैटेजी उसी टाइम क्लियर थी कि जाते ही पहले तो फ्लावर पकड़ लो। आराम से मेंटेन योर बैलेंस। गुड गोइंग। अदर वन टू गेट इट। आई विल मूव ऑफिस। प्रियंका चंडेल मेरी नजर में वो हां, यू आर नॉट अ कंपटीशन। मैं इतनी बड़ी नहीं हूं कि मैं इंटेंशनली उसके मुंह पे पानी फेंकूंगी। भूल गई कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है, बट स्टिल आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई वॉज लाइक लुकिंग एट नितिन। वहाँ पे प्रेशर पानी ऐसे आ रहा है, मैंने ऐसे करके यूं करके देखा तो आई वॉज लाइक, सारी फ्रेंड्स खड़ी हुई थी मेरी, वो पानी डाल रही थी। आई वॉज लाइक, मैन क्या कर रहे हो तुम लोग। जैसे मेरी चांस आई, आई वाज लाइक लिटिल वरिड। अंदर से वो सारी बटरफ्लाइज बाहर आ रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी स्ट्रैटेजी एक ही थी, पहले जाके सारे रोजेस निकालो, उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस दो। सिताक्षी ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। किंग की तरफ ज़्यादा फोकस था मेरा, क्योंकि किंग ही डिसाइड करने वाला था कि कितने रोजेस देगा। जैसे मेरा परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ, मुझे पता था मैंने बहुत अच्छा किया। मैं वैसे नर्वस हो जाती हूँ, पर मैं इतनी नर्वस नहीं थी, थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि इट वॉज माई फर्स्ट चांस टू प्रूव माई सेल्फ, टू शो एवरी वन की वट आई कैन डू। पहले मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि जितना टाइम पहले पानी आता है उस टाइम पे मैं रोजेस कलेक्ट कर लूं। काम से स्टेबल। What she did was quite shocking and it was absolutely the best performance I've ever seen. Maintain your balance. Oh, nice. पानी बहुत बहुत पड़ रहा था और फर्स्ट रोज मेरा वो उसी वक्त गिर गया जब मैं थोड़ा सा इधर को आई, तो मेरे को लगा चल ओके इट्स ओके, अभी चार रोज है। तो मैंने सोचा था इनको पकड़ना है जैसे भी पकड़ना है। ही इज द ओनली गर्ल कि जिसके साथ अगर मैं इस टास्क में होती, ये मुझे सेकंड कंपटीशन देती। वेल डन प्रियंका। एक्चुअली जिस दिन से मैं आई हूँ, फर्स्ट डे से दे आर लाइक यू टू बहुत चुप है, तो मैं सबसे बोल रही थी कि एक बार टास्क होने दो, देन आई विल शो एवरीवन। स्प्लिट्स विलेंस, रिजल्ट्स ऑफ द रॉयल बर्ड केज, फर्स्ट राउंड। सुबुई 5 रोजेस, परी 2 रोजेस, सताक्षी 3.5, प्रियंका चंदेल 4.5, प्रियंका चौहान 3.5। इसका मतलब यह है कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके किंग नितिन पर। सबसे पहले सुबुई, थ्री रोज़ सुबुई, वेल डन। परी, आई एम सो सॉरी।
मैं कैसी हालत में, मैंने कैसे परफॉर्म किया ये मैं जानती हूँ, और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब जानते थे। सबकी आंखें फट के बाहर आ गई थी, ये क्या कर रहा है बंदा। नितिन एक भी रोज नहीं। आई थिंक परी के हर्ट हुआ था वहाँ पे, सो परी को दर्द हो रहा था पानी से, उस हिसाब से वो डांस पे फोकस नहीं कर पाई। उसने चाहे जितना भी वो हर्ट थी, उसने जो भी करा, एक रोज भी नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि इतना क्या उसे बुरा लगा उसमें। आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर। और तेरी जबकि उससे बॉन्डिंग है। मेरी बॉन्डिंग परी के साथ है, परी नोज, एवरीबॉडी नोज हियर, बट मुझे एंड ऑफ द डे जो मुझे फेयर लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। बट चल देखा जाए, एक बॉन्डिंग के चक्कर में एक बनता था। गौरव तू मेरी जगह रह चुका है, तू वहाँ पे बैठ। इमोशनल, पर्सनल, बाउंडिंग, वो मैं समझ रहा हूँ, प्रेशर बहुत होता है, नो यार। पांच छह चीजें कैसे? बट नितिन एटलीस्ट ही परफॉर्मड एंड डिड इट कंप्लीटली। आप इससे पहला टास्क जीते नहीं ना, सो आपको नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, सो कीप योर माउथ शट। बुड्ढे का दिमाग घूम चुका था। मतलब तू किंग बना है किस चीज के लिए बना है? वैसे तू कहता रहता फेयर फेयर फेयर, ये क्या घटिया पॉलिटिक्स खेल रहा है यार तू। सताक्षी बॉय का परफॉर्मेंस मुझसे अच्छा नहीं था, सो मैं उसे टाइम पे एक्सपेक्ट कर रही थी मुझे ज़्यादा रोज मिले, पर उसने नहीं दिया बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही फेयर बन रहा था। एक फ्लावर पकड़ाया, आई फील रियली बैड। I was winner. I was very happy कि जो लोग ये connection बना रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे को बोलते हैं तू बोलती नहीं है, लेकिन मैं बस पिछला जीतना चाहती हूँ, nothing else. प्रियंका चौहान आपका total count होता है 8.5, मतलब आप safe हो, सुबुही आप भी safe हो, परी आप dumping zone में जाओगे। बहुत feel हो रहा था मुझे कि यार इतनी जल्दी मैं dumping zone में पहुँच गई, जबकि मेरी बाउंडिंग सबसे अच्छी है। डंपिंग जोन में तीन लड़कियां जाएंगी, मगर सताक्षी और प्रियंका चंदेल में एक टाई है, और इस टाई को तोड़ेगा नितिन। नितिन यू कैन लुक एट दिस टू वेज, या तो जिसे आपको अच्छा नहीं लगता आप उसे डंपिंग में भेज दो, या जिसके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो उसे डंपिंग में भेज दो, क्योंकि उसे आपके साथ फियामा सेकेंड चांस डेट पे भेजा जाएगा। बिटवीन सताक्षी एंड प्रियंका चंदेल, आप डंपिंग जोन में किसे भेजेंगे? प्रियंका। Why the hell you say all the time कि fair game खेल रहा हूं मैं? या तो तुझे इसका मतलब नहीं पता हिंदी में, और या तो तुझे दो वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में। प्रियंका, परी और पूर्वी, आपको नितिन के साथ एक डेट पे भेजा जाएगा। You'll get time to talk to him, to convince him कि डंपिंग ग्राउंड में से आपको डंप ना करके स्प्लिट्स विला से बाहर ना निकाले, साथ में विला के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, ये आपके काम में आएगा। आई विल सी यू एट द डंपिंग ग्राउंड। हैव फन स्प्लिट्स विलंस। तीनों को टेंशन हो गया कि अभी डेट पे क्या होगा, क्योंकि हमें कन्विंस करना था, क्योंकि हमें डंपिंग जोन से सेफ जोन पे आना था। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे डंप करेगा, क्योंकि मैंने उसको किंग बनाया था यार, वो उस जगह पे किंग की पोजीशन पे मेरी वजह से बैठा है। बस मैंने सोच लिया था लेट्स सी अब क्या होता है, डेट है, डेट पे कन्विंस करते हैं। हम लोग डेट पे पहुंचे, नितिन हमारा स्पा ले रहा था, हमने थोड़ा इंतजार करा उसका। हेलो गर्ल्स, क्या चल रहा है विला में? विला में तो बहुत कुछ चल रहा है। क्यों? कुछ चीजें आज हुई हैं। क्या हुआ है आज? फिलहाल जो मेरे साथ हुआ है मुझे उसका ज्यादा दुख है। मैंने फ्लावर नहीं दिया ये? या बिकॉज फर्स्ट टास्क था। बट तुझे नहीं लगा कि मैंने फ्लावर ऐसा है कि मैंने जान के नहीं दिया या मैंने फेयर किया? तूने अपने लिए फेयर किया हो, बट मेरी जगह आके भी देख, लाइक मैं कितना हर्ट थी, उसके बावजूद भी लाइक मैंने डांस किया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने ये बात मन में सोची कि परी ही एक ऐसी लड़की थी जो मुझे समझ रही थी शायद।
मैं कोई भगवान थोड़ी जो मैं दूर से देख के तुझे समझ रही हूँ कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो तूने सोचा शायद तेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही अच्छा, हो। लेकिन मुझे डाटा क्यों इतनी जोर से? डाटा नहीं है, आपने अपना टास्क नहीं किया। मैं पता है मैंने मेरा टास्क। Listen to me. आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। एनीवे नॉर्मल क्लियर करो, एटलीस्ट उसको बोलने का मौका दे। आई एग्री परी, इसके परफॉर्मेंस में इसने मस्ती कर रही है टास्क में। नितिन मैं मस्ती, मेरे को मौका तो, मैं अभी बात करूंगा आपसे। आई एम एंग्री विद हर राइट। फिनाज वो वहां पे मुझे इग्नोर कर रही है बिकॉज उनकी हार्ट बीट्स वो अपने आप पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू आर नॉट गेटिंग मी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मुझसे इतनी नफरत क्यों और इतना जोर जोर से मुझे क्यों डांट रहा है। मेरे डिसीजन पे अगर आपको शक करना है। मैं कहां कुछ तुम्हें शक कर रही हूं, मैंने कुछ बोला ही कहां है यार। बोलो, इसको बोलो, स्टार्ट बोलो अब। नो मैन सीरियसली बाय कहां धोती है, मैं कुछ बोल ही नहीं हूं। नितिन डोंट शो मी दिस एटीट्यूड। नो मैन, मेरे को नहीं फिर रहना है ऐसे। बाय, टेक केयर। मेरे मन में पूर्वी के लिए वही खुंदक थी कि मैं हार जाता उस दिन वो टास्क और मैं किंग ना बन पाता, मेरी इतनी मेहनत पे वो पानी डाल देती। ये एटीट्यूड दिखा के आप जाओगे ना सीधा घर। मैं एटीट्यूड नहीं दिखा रही हूँ नितिन, प्लीज। मेरे से गालियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी पूर्वी, क्योंकि मेरा आप पे ना गुस्सा जजा हुआ है। आप मुझे बताओ आपने क्यों किया? तुम लोगों को लगा मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैंने गलत किया, ठीक है मैंने गलत किया। यू हैव द रीजन? नो आई डोंट थिंक सो। के पास कोई आंसर नहीं था सिवाय आंसू बहाने के। मैंने उसे मारा, चिल मार, डेट मारने आए, मजे करते हैं, बाद में बात करेंगे इस बारे में, चिल मार। ट्रस्ट मी, आई एम रियली सॉरी, मैं गर्ल्स से इस तरीके से कभी बात करता नहीं। आई विल टॉक टू यू इस मैटर पे पक्का से। हाँ जी, अब बताओ विला में क्या चल रहा है। कम ऑन, यू स्पीक, यू स्पीक। अरे आई एम डन, आई एम डन। डंपिंग मेल चूज किया, तुझे पता है आईडिया है? निखिल ने क्या बोला था, क्यों चूज करो? किसके डेट मारनी है? ओके गर्ल्स, आप तीनों में से मुझे किसी एक को चूज करना पड़ेगा और मैं एक फ्लावर देता हूँ जिसके साथ मुझे कुछ अकेला टाइम स्पेंड करना है। तो प्रियंका, दिस इज फॉर यू बेबी। थैंक यू सो मच। मैंने कहा चलो भाई, और भी अच्छी बात है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। बाहर में जाए लड़कों को क्या कन्विंस करना है, नितिन तो किंग खुद ही फ्लैटर है ना, लाइक ओके कूल। मैं और प्रियंका वहीं मसाज सेंटर की तरफ अपना बीच के किनारे बैठ गए। ऐसा कौन सा लड़का यहाँ पे लगा कि जो तुझे लगता हो कि जिसके साथ तू बॉन्ड बढ़ाए वो शायद तेरे लिए बेटर होगा? मैं अभी तक ढूंढ ही रही हूँ, मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं है। But my eyes is on you. So that's why you're here and my eyes is on you, baby. Remember my words. अच्छी बात है, किंग पड़ गया। I like you. I found you very attractive at first day. So that's why you know तू नहीं जाएगी। मुझे परफॉर्मेंस में ऐसे तेरे कोई खराबी नहीं लगी। मैं ये शो जीतना चाहता हूँ वो दो या तीन लड़कियों में से एक के साथ ही जीतना चाहूँगा। सो यू आर वन ऑफ देम जिसको मैं पसंद करने लगा हूँ। माय आईज इज ऑन यू बेबी, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। अब एफर्ट्स भी डालने की जरूरत नहीं जब लड़के के आईज ही है। प्रियंका तू तो सही है बेटा। आई एम रियली हैप्पी कि मैं किंग बन के यहां पे तेरे साथ डेट मार रहा हूं। ठीक है, सो चिल मार, चलते हैं, मतलब कुछ ना एक्स्ट्रा। मैं 100% श्योर थी कि मैं डंप होने वाली हूँ, क्योंकि परी को तो लड़की बचा लेते, दूसरा प्रियंका को किंग बचा लेता। जब हम डंपिंग ग्राउंड में एंटर किए बहुत ही डिफरेंट सा और एक्चुअली हेल जैसा स्ट्रक्चर था। To the dumping ground of Fiamma Devils MTV Splits Villa Season 6. Acha din gaya Splits Villa? Acha din. How many of you think that Nitin has changed? Put your hand up. Nitin ne ye cheez nahi sochi ki planning plotting karke jo banda king banta hai to wo thoda aage jaake badalta hai. Usne to ek hi raat mein apne rang badal liye hai. Okay guys, let's call the king and queen please. We'll be right back.
वेलकम टू स्प्लिट्सविला'स डंपिंग ग्राउंड। थैंक यू। इस साल स्प्लिट्सविला के डंपिंग ग्राउंड में एक और खासियत होने वाली है और वो है द बुक ऑफ हेल। हर बार इस किताब के खोलने की फरमाइश सोच समझ कर करना, बिकॉज नॉट एवरी ट्विस्ट एंड टर्न मेंशन्ड इन द बुक ऑफ हेल इज गोइंग टू बी इन योर फेवर। हिंदी में एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। ये शायद आपका तिनका बन सकता है, और इट कुड ऑल्सो बिकम अ स्टोन अराउंड योर नेक एंड ड्राउन यू। डंपिंग जोन में से कोई भी कभी भी पूछ सकता है कि इस बुक को खोला जाए। इट्स नॉट अ मेजॉरिटी वोट, एनी वन पर्सन कैन से मैं खोलना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ। और अब वक्त आ गया जब हम पूछेंगे कि क्या कोई इस बुक को खोलना चाहता है। आप तीनों में से अगर किसी को लगता है कि ना ही किंग आपको बचाएगा और ना ही विला, क्योंकि विला भी एक डंपिंग जोन के कंटेस्टेंट को बचा सकता है। Villas in just the guys or the girls too? The guys will save the girls will save the guys. Then no. I want to open the book. Is a book full of twists, surprises and powers of what it consists. Today you are supreme, you are the queen who sits alongside the king. The book therefore gives you the power to swing, one of those who stand and one of those who sit can be exchanged if you insist. Aaj स्प्लिट्स विला 6 की क्वीन इन तीन लड़कियों में से किसी भी एक लड़की को सेफ जोन में बिठा सकती हैं, और सेफ जोन में बैठी लड़कियों में से किसी भी एक लड़की को डंपिंग जोन में खड़ा कर सकती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। स्प्लिट्स विला के कंपटीशन को जो भी जीतता है या जीतती है वो इस बुक से इम्यून है। सो प्रियंका, यू आर कंप्लीटली सेफ। ओके Queen Ruby, पहले ये बताओ कि डंपिंग जोन में से आप किसे बचाना चाहती हैं? पूर्वी। Are you sure, Ruby? Yes. You want to save Purvi? Congratulations, Purvi. कैसा लग रहा आपको? I can't express because King काज रबैया मेरी तरफ देख के मैं बहुत घबरा गई थी। I still don't want, trust me, I'm not happy with the decision. हाँ, it's fine. I still don't मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही थी। यार मुझे एक बार बता, तू अभी अभी जो यार देख, अगर तू फेयर फेयर कहता है तो उसने तेरे को सेव किया था कंटेंडर एज अ अपोजिशन टू गौरव, राइट? तेरा बनता था यार उसको बचाने का, तू उसी को गाली दे दी, तू मुंह पे बोल रहा है उसको शट अप। तो चुप रहा, मेरी बात सुन। क्यों रही एक बार बोलूं, सुन मेरी बात, तू उसको बहुत बुरा लग रहा है। जिस हिसाब तेरे को पता है तू मेरे साथ चीख नहीं सकता और मैं बोलूंगा तू बोल नहीं पाएगा, दो मिनट चुप, तमीज से बात कर ले मुझसे दो मिनट के लिए। मैं वहां पे आके ना झापड़ मारूंगा और तू यहां से झापड़ डबल खाएगा, आई बात समझ? आ जा। हेतेन मारे हो, मार ले तू, मार ले आके। Sit down now. Splits villains, it's time to move on. Purvi, welcome back to Splits Villa. Ruby, Splits Villa में से दो लड़कियों में से आप किसी एक को डंपिंग जोन में भेज सकती हो, या तो सताक्षी को या सुबुही को।
वो नाम लेने से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि शेर कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि वो बड़ा होकर उसी का राज्य छीनेगा. सो आई एम नॉट गोना लव एनी ऑफ माय गर्ल्स. नेम सबूही. शी इज अ टफ कॉम्पिटिशन. It's your luck if you're gonna come back. I will, don't worry. इन तीन लड़कियों में से जो इस समय डंपिंग जोन में खड़ी हैं, आप किसी एक को बचा सकते हैं अपना वोट देकर. क्यू कार्ड आपके पास है, किसी एक लड़की का नाम लिखिए and then put the pen down. नवाब आपसे शुरू करते हैं. किसका नाम लिखा आपने? सुबूही. आपने एक्सपेक्ट किया था सुबूही? सुबूही का नाम क्यों? वी कीप आवर फ्रेंड्स क्लोज बट आवर एनिमीज क्लोजर. फ्रेंड्स कभी डबल फेस भी हो सकते हैं, दे कुड डू व्हाटएवर, बट एनिमी दे जस्ट से इट ऑन योर फेस. सो आई प्रेफर दैट. अर्जित. सुबूही. इट वॉज अ रियली टफ चॉइस. मेरा सुबूही और परी दोनों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और बॉन्ड है, बट किसी रीजन की वजह से मैंने उसको चूज किया. अमन. प्रियंका चंदे. क्यों? क्योंकि वो मेरा कनेक्शन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन तीनों में से, और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे रुके, इसलिए मैंने उसे वोट दिया. अश्विनी. सुबूही. सुबूही आपके पास तीन वोट हैं, प्रियंका आपके पास एक, परी नो वोट्स फॉर यू एज येट. प्रभजोत. सुबूही फॉर यू. थैंक यू. नो प्रॉब्लम. क्यों? शी परफॉर्म्ड वेल सो आई वांटेड टू कम बैक एंड कम्पीट. ओके. गौरव. सुबूही. सुबूही. टफ था बहुत, क्योंकि परी एंड सुबूही दोनों से बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है. अर्जित और मेरा सेम रीज़न है, बट बच जाएगी. सुबूही, छः में से पांच लड़कों ने आपके लिए वोट किया है. वेलकम बैक टू स्प्लिट्सविला. आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू नवाब पहले. थैंक यू. थैंक यू. I knew at any cost that she's gonna come back. Sataakshi, अगर वहाँ खड़ी होती then might be नहीं जाते इसके लिए. आपने उसको वहाँ पे secure zone पे क्यों भेजा? क्योंकि आप वहाँ से किसी उसे queen के decision की ज़रूरत थी. She took a risk. जब वहाँ पे king and king बनना था, हमें उसकी support की ज़रूरत थी. थी. उसने दी थी? नहीं दी थी. आपने दे दी? दी थी. समझ आया? नितिन, फंस गए. एक के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, परी के साथ. प्रियंका एंड यू आर जस्ट गेटिंग टू नो ईच अदर. नितिन किंग होते हुए आप परी और प्रियंका इन दोनों में से किसे डंप करना चाहेंगे? मुझे ये बात पता है कि परी को हर्ट था परफॉर्मेंस से पहले, और वो मैंने आज बहुत क्लोज से देखा जब हम लोग डेट पे थे, और अकॉर्डिंग टू माई बॉन्डिंग मैं परी को मौका देना चाहूँगा. So it means I will dump Priyanka. I found you very attractive. Tu nahi jayegi. My eyes is on you, baby. Buddy, welcome back to Splitsville. Thank you. मेरे लिए प्रियंका ये डिसीजन बहुत टफ था, बिकॉज मैंने ये जो Book of don't give any clarifications. I don't know. I'm not giving you any clarification. I'm just that's telling fine. you कि ये जो Book of Hell का ये twist आया है. It's fine. That's the only thing. I don't want to listen. अगर मुझे आप में से I don't want to listen anything. I'm not just giving you explanation, quiet. baby. चुप हो जाओ. Priyanka, we're sad to see you go, but it's time to say goodbye. Nitin एक ऐसा बंदा है जिस पे इतनी easily trust नहीं किया जा सकता. जो एक वर्ड पे नहीं टिक पाया पलट गया. चूड़ी पहन के आनी चाहिए यार उसे तो.
Splits villains. 16 लोग यहाँ पे आए थे, अब 13 बचे हैं. Tomorrow is going to be another day in Splitsvilla. And you never know if 13 turns out to be your lucky number. I wish you all the best. And don't forget, this is Splitsvilla season 6. Hot as hell. Good night. Good night. Take care.